गाड़ी में बैठा के ले गया, मेरे एक्सीडेंट में मेरा बैग ड्रिंग और सब लेके वो भी याद में आ गए। तो हाँ पा याद में बहुत रोज गाड़ियाँ गिर जाती थी। फिर मैंने मेरी पूरी लेबर जाके कम से कम 5,000 आदमी लेके गया, फिर वहाँ उस यार्ड का काम किया। वहाँ लोकल यार्ड में जितना भी कोलेज पड़ा था सब डाल के उस ट्रैक को 2 फुट लिफ्ट करके और जो यहाँ पर ट्रेनमेंट होता था उसके प्रंक्शन क्रॉसिंग को चेंज करके मैंने उस यार्ड को ऐसा बना दिया कि उसके बाद में कभी कोई गाड़ी गिरी नहीं। और बाद में मेरे को राजकोट से लेके बाद में मेरे को पाटन कोकोसी में का सेक्शन दे दिया। उसके बाद में मेरे को जो है अच्छा मेरे मैं उसके बाद में 90 स्टेशन टेनवर्स रोस्टर की वजह से मेरे को ये काम भी दे दिया बिटवीन गांधीधाम और ये डीसा के बीच में, या 19 स्टेशन थे पालनपुर के बीच में, पालनपुर भी इसके साथ में था और मेरे को 19 स्टेशन का काम दे दिया कि आप जो है ये टेनवर्स रोस्टर में ये काम करना है, तो वो भी काम मैंने किया। उसके बाद में मेरे को वहाँ पर GBS साइडिंग बनी थी पावर पीछापुर साइडिंग पीछापुर में, तो वहाँ वो साइडिंग को बनाना था अर्जेंट, ताकि वहाँ पर जो है ना एक ट्रांसफार्मर लाना था जो इफको वालों को जो पीछापुर पावर उसको जरूरत थी, तो मैंने उसके लिए स्पेशल चीफ इंजीनियर ने ऑर्डर दिया बार बार कैसे भी करके ये जो पावर उसका ये प्लांट है इसको लेके जाना है। मैं और उस वक्त ट्रक सर्टिफिकेट भी नहीं होता तो मैं डिप्टी ने ऑर्डर दिया, क्योंकि उसको पावर होती है कि ट्रैक बिना खोले हुए वो पायलट करके ले जा सकते हैं। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई तो मैंने वो 1 करोड़ रुपए का रेलवे का प्रोजेक्ट का फायदा हुआ उस प्लांट को ले जाने के लिए, वहाँ ले जा में दे गया। और उसके बाद में मेरा जो है NKM प्रोजेक्ट में कन्वर्शन में नरियात कपड़वन में ट्रांसफर हुआ, लेकिन मेरा हेडक्वार्टर जो है ना वो अहमदाबाद ही रहता था, कोई भी अफसर मेरा हेडक्वार्टर ट्रांसफर नहीं करता था, क्योंकि उनको मालूम था ये आदमी जब काम करता है तो इसका बार बार इसको शिफ्ट करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे पास वहाँ पढ़ते थे, तो इस वजह से कोई भी उसको ट्रांसफर नहीं करता। तो उसके बाद में मेरे को खुलियान मशाना का कन्वर्शन का काम दिया था, दैट वॉज माई लास्ट वर्क। अरे आई रिटायर्ड 29 फरवरी 1996 को मैं वहाँ पर रिटायर्ड हो गया, और रिटायर होने के बाद फिर मैं वहाँ पर अपने घर से मैं आ गया, मैं अपने बच्चों के पास जहाँ आबल रोड यहाँ भी आने के बाद मैंने अपने बच्चों के साथ साथ आबल रोड में उस वक्त नेशनल हाईवे का काम चल रहा था 4 लाइन का प्लस बटवाई है रिको भी नया प्लांट बने यार्ड बना था रिको का डेवलपमेंट करने के लिए। फिर मैं पर्सनली इंटरेस्ट लिया कि यहाँ रिको आबू रोड में एक स्मार्ट सिटी बनाना है, उसका उस वक्त स्मार्ट सिटी की बहुत बड़ी बात चल रही थी, तो मैंने पर्सनली यार्ड एक प्लान बनाया जो मेरे पास आया, मैं बाद में आपको दे सकता हूँ। और उसके में मैंने जो यार्ड में यार्ड से एक तो बस स्टैंड शिफ्ट करने के लिए बोला, और फिर दूसरा हॉस्पिटल जो था उसको भी शिफ्ट करने की पोजीशन बताई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको वहाँ नहीं रखे दूसरी जगह पर रखी, अगर जहाँ मैं बोलता था वहाँ रखते तो एक तो आबू रोड के सिटी के लोगों को आराम होता और बाहर वाले आदमियों को भी आने का आराम। बस का वजह ये थी कि बाहर यार्ड में इसमें सिटी में जगह नहीं थी, इसलिए बस को बाद में निकालना बहुत ज़रूरी था। बस स्टैंड को मैंने बोला था कि हाईवे पे ले जाओ ताकि वहाँ पर जो है डायरेक्ट वहाँ से चले जाएगी, और यहाँ पर अभी ओवर ब्रिज बन रहे हैं उससे भी याद में आ जाएगी, ताकि रिक्शा वालों को भी कोई बेनिफिट मिलेगा, बाहर वाली बसें भी आएंगी वो बार बार चली जाएंगी, ट्रैफिक का इतना बोझ नहीं पड़ा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कैसे करना है, उन्होंने अपने हिसाब से ही काम किया,
बस स्टैंड वहाँ का रह गए और उन्होंने जो हॉस्पिटल था वो एक मिनी हॉस्पिटल बना के उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया, जो बहुत दूर बना दिया गया, जिससे अब रोड के लोगों को बहुत परेशानी होती है, कोई भी बीमार पड़ जाए उसको इतनी दूर जाने के लिए रिक्शा ले जानी पड़ती है, नहीं तो जो भी पहले का हॉस्पिटल था वो बिल्कुल सिटी के अंदर था, जिससे लोगों को बहुत सुविधा मिलती और लाइफ भी अच्छी गुजरती और उनके रिश्तेदारों भाई बहनों को भी आराम होता, कभी कोई दुख सुख होता है तो जाके अटेंड कर सकते थे, लेकिन बाहर जाने से वो अच्छा नहीं बना। उसके बाद में मैं रिटायरमेंट के बाद में प्रेज कर लिया था दैट आई विल मेक स्मार्ट कॉलोनी ऑफ इको कॉलोनी आबू रोड। उस समय मेरा मकान भी बनाया मैंने और मेरा मकान मैंने गांधीनगर भी बनाया, लेकिन जब मेरे बेटे की शादी थी तब मैंने इस मकान को 97 में बनाया और उसके बीच में सर्जन स्टोन प्राइवेट लिमिटेड मेरे बच्चों ने खड़ा किया, जिसके लोन लेके अपना अपनी सारी व्यवस्था बनाई। बेचारों ने बहुत मेहनत की, मेरे 3 बेटे हैं और मेरी वाइफ भी सर्विस करती थी, शी वाज सीनियर टीचर रेलवे स्कूल आबू रोड, और उसने भी बहुत मेहनत की। 33 साल उसने नौकरी की और 2003 में रिटायर हो गई। उसने बच्चों के साथ साथ अपने परिवार को भी बहुत अच्छा पढ़ा। आप मानो नहीं, एक औरत का एक पति को मदद करना एक बहुत बड़ी बात थी। वो अकेली मेरे से 25-30 साल रही और बच्चों को भी पढ़ा और पढ़ाया, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं और आज की डेट में वो अपने अपने कारोबार में मस्त हैं। 3 बच्चों के पास अपना अपना रोजगार है, फैक्ट्री हैं और उनका कम मेरे बेटे इनसे वो जी रहे हैं, उनको कंस्ट्रक्शन का काम है। मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने आबू रोड के जितने भी हॉस्पिटल हैं 6 हॉस्पिटल उसने बनाए, और उसके अलावा यहाँ के जो इको कॉलोनी में नई नई फैक्ट्रियाँ बन रही थी उसने 20-30 फैक्ट्रियाँ बनाई। इसके अलावा यहाँ इको जो मकान थे उसका कंस्ट्रक्शन किया। मेरे बच्चे दोनों में तीनों मिल के बहुत अच्छा काम किया, भगवान ने उनको बहुत साथ दिया। और मैंने भी ये सोच लिया कि आबू रोड जो इको कॉलोनी है इसको मेरे को स्मार्ट कॉलोनी है बनानी है। नेशनल हाईवे 4 लाइन बन रही थी उसमें मैंने इंटरेस्ट लेके इस कॉलोनी से बाहर जो जाम निकल रही थी उसको बचाने का कोशिश की, और उसके अलावा जो सर्विस रोड थी उसका भी सही पोजीशन लगा दिया गया, जिससे शहर में भी बिल्डिंग पड़ी, कॉलोनी में भी बिल्डिंग पड़ी। और ये लोग जो है ना, सर्विस रोड बनाने से क्या हुआ कि वहाँ पर रश नहीं हुआ, नेशनल हाईवे पे कोई भी रश नहीं हुआ। उस वक्त पानी की व्यवस्था भी बहुत ख़राब थी, हम लोगों ने वहाँ पर पानी की व्यवस्था बनाई, वहाँ बैक पंप बनाकर इसका पानी कॉलोनी को भी देने के लिए बंदोबस्त किया और यहाँ पर रोड को भी अच्छा किया, और जितनी चार दीवारी बनाने का एस्टिमेट बना के दिया वो भी रिको ने, बहुत अच्छा रिको को लगा तो रिको ने उसको 4 दीवारी भी बना दी। आज के डेट में हमारी कॉलोनी एक बेस्ट कॉलोनी रिको कॉलोनी सूरत डिस्ट्रिक्ट में मानी जाती है, और यहाँ के आरएम भी बहुत अच्छे हैं, वो सबको कोऑपरेट करते हैं। जितने भी आरएम यहाँ पर आए आज से पहले मैं 96 में रिटायर आया, उस वक्त से लेकर आज तक 5-6 आरएम आए, सब ने बहुत कोऑपरेट किया और कॉलोनी को अच्छा बनाने के लिए पूरी व्यवस्था की। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इसके साथ साथ मेरे को बहुत सारे अवार्ड दिए सब काम करने के लिए। मैं आपको बताऊं मैंने कितने अवार्ड दिए, मेरे को सबसे पहला गोल्ड मेडल का अवार्ड मिला रेलवे सर्विसेशन में 1957 में, सर्वन मर्जी पावर हाउस की डायरेक्ट एंट्री करने की थी, उसमें पावर हाउस में जो गाड़ियाँ थी ना वो कोली की गाड़ियाँ टुकड़े टुकड़े करके अंदर जाते हैं, तो उस वक्त GM गुप्ता साहब आए, उन्होंने बोला सबको खड़ा करके पूछा कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन कोई नहीं बोलता था। हाँ मानोगे नहीं, मैं चीप डोले होते हुए वो मेरे को बगल में ले जाकर बाथरूम में अलग करके पूछा, मेरे को बोलते पाता
ये